वक्त मैं आगरा के केदारनगर उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर नारायण साकार हरि की कुटिया है। जो घर था अब वो लोगों के हिसाब से कुटिया में तब्दील हो गया और यहीं से रहकर उन्होंने अपने प्रवचन देना शुरुआत के दिनों में उन्होंने शुरू किए थे। हर मंगलवार को तमाम जो महिलाएं जो आप भक्त देख रहे हैं उनके अनुयायी हैं और यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। हाथरस की घटना के बाद क्या बदलाव आया या फिर इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार साकार हरि के बाबा के जो सत्संग में जो महिलाएं जाती हैं उनके क्या विचार है, उस सत्संग में क्या सुनती हैं, क्या समझती हैं, क्या सीखती हैं। तो अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए कि साकार हरि बाबा का जो सत्संग आप कितने सालों से अटेंड कर रही हैं, कब से जाती हैं और क्या अच्छा लगता है आपको, क्या सीखते हैं? भैया 20 साल हो गई हमें और हमें तो वाणी भी अच्छी लगती है, उनके चरणों में बैठना भी अच्छा लगता है, प्रवचन देते हैं प्रभु वो भी अच्छा लगता है, प्रभु हमें बदलाव भी है भैया। नारायण साकार हरि हैं। कब से जुड़ी हैं बाबा से? मुझे 15 साल हो गई जुड़े भैया। कोई आपके साथ ऐसा चमत्कार हुआ हो, क्योंकि बाबा के चमत्कार को लेके बहुत बात कही है? ना चमत्कार नहीं होता है, माँ सीधे परमात्मा हमको देते ही देते हैं भैया। बहुत ऐसे जीवन था हमारा, एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे, किसी ने सहारा नहीं दिया था। अब आप सोच के देखिए इस घोरकल युग में बिना धन के कौन जिंदगी जी रहा है। परमात्मा हम सबको गले लगाते हैं, शिक्षा देते हैं और हमें विश्वास है हमारे परमात्मा है। तो हाथरस में 122 लोगों की मौत हो गई, क्या लगता है लोग सीधे तौर पर बाबा को जिम्मेदार चढ़ा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वो जिम्मेदार नहीं है किसी के, मतलब कहने का जे वो तो चले गए माते जी, साजिश रची गई है भैया जी, साजिश रची है, ढक्का ढुकुरी करी है। आप बताइए आपका क्या नाम है और बाबा से कब से जुड़ी हुई हैं आप? पुष्पा देवी, 20 साल हो गए मुझे। क्या अच्छा लगता है सत्संग में बाबा? सत्संग में सब कुछ अच्छा लगता है, हरी बीमारी में रहते हैं, हमने खूब कृपा मिल रही है प्रभु की, और देखो कोई कार नहीं रख सकते हैं, प्रभु का नाम ले लेते हैं, हमारे सबरे कार होते जाते हैं। हाँ खूब चमत्कार, खूब हमारे तन के पति एकदम नाले में डाल दे थे किसी ने, तन के पति माने जैसे हाँ की पीवे खावे बारे न, हाँ पीवे खारे में बारे में डाल दी ने, और ने थोड़ी देर में छत पे चढ़े जा रहे हैं तो उन्हें कह रहे हैं देखो मुझे जम मारने आ रहे हैं, जम मारने आ रहे हैं, तो मैं जो प्रभु का नाम ले लो तो आप कब से जुड़ी हैं, आप कब से जुड़ी हैं, आप बताइए बाबा से कब से जुड़ी हैं आप? प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मुझको 24 साल हो गई, 24 साल एक ये छोड़ दे, 24 साल एक लंबा वक्त हो गया। आप मुझे बताइए बाबा के आपने खूब प्रवचन सुने होंगे, क्या क्या सुनते हैं आप? लाओ ये मैं पकड़ लूंगा कि मैंने परमात्मा के, इतनी परेशान थी मैं कि अपने शरीर से भी परेशानी, और जिन नारायण साकार की शरण में आके, और देखो आज मैं मीडिया के सामने खड़ी हूँ, और ये बात जो आपने बाबा की आपको बहुत अच्छी लगी हो, ये ब्रह्म है और इनको जब सूरज पर कीच फेंकते हैं तो वो कीच खुद ऊपर ही गिरती है, वो निराकार ब्रह्म है, सगुण साकार में सच्चे सदगुरु बन के शिक्षा देते हैं।